हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ भ्रांति की, जिसका कोई वजूद नहीं है। वो सही है या गलत है कोई नहीं कहता, मेडिकल साइंस उस बात को नहीं मानता। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे कुछ नौ मतलब कि भ्रांतियाँ जो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई हैं, या पोस्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ऐसे कुछ नौ मिथक हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर बात करते हैं गर्भावस्था की जो भ्रांतियाँ होती हैं उसके बारे में। तो एक सबसे ही प्रचलित भ्रांति है कि जो ठंडी तासीर के जो फल होते हैं वो गर्भवती को नहीं देने चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा मिथक है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक फल में अपने अलग मिनरल्स होते हैं, अलग विटामिन्स होता है। हर एक फ्रूट अलग विटामिन, अलग मिनरल का सोर्स होता है। और एक प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन्स की, मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब तक आपसे डॉक्टर ना कहे आप ऐसा कुछ ना खाएं, अपने आप को रोके नहीं खाने से। आपको हर एक वो फल खाना है जो सीजनेबल हो, हर एक फ्रूट से। आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, किस फल से आपको क्या मिल रहा है। तो आपसे जब तक डॉक्टर ना कहे कि आप ये फल ना खाएं, तब तक आपको वो फ्रूट्स लेने। एक बहुत ही प्रचलित है कि अनानास और पपीता नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये काफ़ी हद तक सही है। अनानास और पपीते में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मिसकैरेज में हेल्प करते हैं, तो आपको अनानास और पपीता नहीं खाना है। ये खाने के लिए तो डॉक्टर भी अवॉइड करते हैं, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में, आप 9 मंथ प्रेग्नेंट है तो आप पका पपीता खा सकती हैं। पका पपीते में ऐसे बहुत से जरूरी तत्व होते हैं जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन पका पपीता 8th या 9th मंथ में, अर्ली प्रेगनेंसी में पपीता अवॉइड करें। दूसरा मिथक है वो है कि प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारा घी खिलाना चाहिए, उससे उसका बेबी और वो प्रेग्नेंट लेडी स्वस्थ रहेगी, हेल्थी रहेगी। देखिए, ये मिथक है। घी प्रेग्नेंट लेडी को देना चाहिए, वो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसे दीजिए। लेकिन घी प्रेग्नेंट लेडी को भी उतना ही ज़रूरी है जितना जितनी क्वांटिटी एक जो प्रेग्नेंट नहीं है उसको जितना चाहिए, एक प्रेग्नेंट लेडी को भी बस उतना ही चाहिए। प्रेग्नेंट है इसलिए उसको ज़्यादा घी देना सही नहीं है। आप घी उतना ही यूज़ करें जितना और लोग यूज़ करते हैं, उतनी ही क्वांटिटी रखें, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीज़ों को आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। कोई भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। घी में प्रोटीन होता है, और अगर आप बहुत सारा घी लेती हैं तो आपके बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, जो आपका शरीर है वो उस प्रोटीन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसीलिए उतना ही घी खाइए जितनी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा घी खाने का कोई सेंस नहीं है। घी आपके लिए भी और आपके बच्चों की मसल्स, उसके अंदरूनी विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप घी लीजिए पर एक बैलेंस डाइट में। 3, ये एक बहुत ही प्रचलित भ्रांति है, बहुत बार सुनने में आया है कि सोनोग्राफी कराने से बेबी और माँ को नुकसान होता है, सोनोग्राफी कराना सही नहीं होता। पर देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ होती है बेबी के लिए भी और माँ के लिए भी। सोनोग्राफी कराना, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में 3 से 4 बार सोनोग्राफी कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमें बेबी की कंडीशन, बेबी का डेवलपमेंट, बेबी की एज, इन सारी चीज़ों का पता चलता है। सोनोग्राफी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए तो आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। अगर आपको डॉक्टर ने सोनोग्राफी दी है तो वो आपको ज़रूर करानी चाहिए। कम से कम पूरी प्रेगनेंसी में 4 सोनोग्राफी तो होना बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर सिंगल टर्म प्रेगनेंसी है। और अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो ये सोनोग्राफी कितने भी बार बढ़ सकती है। तो आप मेरी सोनोग्राफी के ऊपर जो वीडियो बनी है आप उसे जाकर देखिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। करते हैं डिलीवरी के बाद की भ्रांतियाँ। तो डिलीवरी के बाद की सबसे प्रचलित भ्रांति है कि जो माँ है
उसे चावल नहीं देना चाहिए, उसे रोटी नहीं देनी चाहिए। चावल खाएगी तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी, रोटी खाएगी तो बच्चे के पेट में दिक्कत होगी, हरी सब्जियां खाएगी तो बच्चा हरी पॉटी करेगा। देखिए ये मिथक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर माँ ये सारी चीजें नहीं लेती है तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। माँ कुछ भी खा उसका सम्मिश्रण दूध में नहीं जाता। हर माँ हर वो चीज खा सकती है जो वो खुद डाइजेस्ट कर सके। अगर माँ कोई भी जो वो खा रही है अगर उसे वो प्रॉपर डाइजेस्ट कर ले रही है तो वो उन चीजों को ले सकती है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, हरी सब्जी हो। बल्कि उन्हें ये सारी चीजें जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो लेडी स्तनपान करा रही है उसे 500 कैलोरी ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर वो सारी चीजें नहीं लेगी तो उसको अमीनिया हो सकता है, उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है डिलीवरी के बाद भी। तो हमें फाइबर युक्त डाइट लेना है। आप वो सारी चीजें खा सकती हैं जो आप खुद डाइजेस्ट कर सके। अगर आपको डाइजेस्ट हो रहा है तो आपके बेबी भी डाइजेस्ट कर पाएगा। जो बेबी होते हैं वो शुरुआत में बहुत अलग अलग तरह की पोटीज करते हैं, तो उनका रीजन कुछ अलग है। आपके खाने से आपके बेबी के खाने का कोई कनेक्शन नहीं होता। आप हर वो चीज खा सकती हैं जो आप डाइजेस्ट कर सके। इसलिए डिलीवरी के बाद अपनी डाइट का भरपूर ध्यान रखें ताकि आपकी दूध में कोई कमी ना आए और आपका बेबी भी हेल्थी रहे। नंबर 5, ये भी बहुत ही प्रचलित भ्रांति है कि अगर माँ बीमार है तो उसको बेबी को उससे दूर रखो। अगर माँ को मलेरिया है या टाइफाइड है तो बेबी को दूर रखो, बेबी को माँ को दूध ना पिलाने दो, स्तनपान ना कराने दिया जाए, नहीं तो बेबी को भी हो जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्तनपान कराने से बेबी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि जो दूध होता है उसमें इन्फेक्शन नहीं आता। आप कितने ही बीमार क्यों ना हो आपका दूध इन्फेक्टेड नहीं होगा। कंडीशन है अगर आपको HIV ना हो और हेपेटाइटिस ना हो। माँ को स्तनपान कराने से तभी रोका जाता है अगर उसे हेपेटाइटिस हो या HIV हो। अगर इन दोनों में से आपको कुछ नहीं है तो आप अपने बेबी को हर कंडीशन में दूध पिला सकती हैं। ये भी भ्रांति कि माँ को सर्दी है तो बच्चे को भी सर्दी हो जाएगी, नहीं, दूध पिलाने से सर्दी नहीं होती। जो सर्दी के जो इन्फेक्शन होते हैं उससे बेबी बीमार होता है, उससे बेबी इन्फेक्टेड होता है। अगर आपकी छींक से, आपकी सांस से, अब जो सांस लेनी है, इन चीजों से बेबी इन्फेक्टेड होता है। दूध पिलाने से बेबी इन्फेक्टेड नहीं होता। अगर आप आपको अगर सर्दी है तो आप अपने मुंह पे मास्क कवर करें, देन अपने बेबी को फीड करवाइए। आपके आपके बुखार से या आपको सर्दी जुकाम से आपका बेबी को कोई नुकसान नहीं होता। आप उसे इजीली खुशी खुशी फीड करवा सकती है। ध्यान रखें कि माँ को HIV नहीं होनी चाहिए और माँ को हेपेटाइटिस नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है जब बेबी को फीड कराने से रोका जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो जिसके भी डिलीवरी हुई है उसे हमेशा गर्म कपड़े पहनने चाहिए, अपने कानों को ढक के रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए, गर्मी में भी। अगर ठंडी है, बरसात का मौसम है, तब तो समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, गर्म रखना चाहिए अपनी बॉडी को। पर अगर गर्मी भी है फिर भी आपको कान ढकने चाहिए, क्योंकि नहीं तो कान के जरिए हवा आपके दिमाग में घुस जाएगी और आपको हमेशा लाइफ टाइम सर दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, जो कि बहुत बड़ा मिथक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ठंड का मौसम है तो आप अपनी बॉडी को गर्म रखिए, पर अगर गर्मी का मौसम है तो बेफालतू अपने अपने आप को कवर करके एक अनइजी सा फील करना गलत है। इससे आपकी आपको खुद को अनइजी सा फील होगा, आप अपने बेबी को नहीं देख पाएंगी और आपको ईचिंग, गर्मी, फालतू गर्मी में परेशान होना, एनर्जी की कमी होना, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसको लॉस करना। बेटर है कि आप वैसे रहिए जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं। गर्मी में आपको इस तरह की कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ प्रचलित भ्रांति है, भ्रांति नंबर 7। ऐसा बोला जाता है कि अगर माँ को शुरुआत पे दूध नहीं आ रहा है तो वो बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, बच्चे को ऊपर का दूध पिला दिया जाए। मतलब या तो गाय का या पैकेट में जो दूध अवेलेबल होते हैं वो पिला दिया जाए। नहीं, ऐसा करना बहुत ही गलत है। शुरुआत में हर माँ को दूध कम ही आता है, पर वो दूध जो भी उसको जितना भी दूध आ रहा है वो दूध गाढ़ा होता है, उसमें
कोलेस्ट्रॉम नाम का एक तत्व होता है जो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे का ऊपर का दूध पिला के अगर बच्चे को पेट भर दिया जाए तो बच्चा माँ से फीड नहीं लेगा, और अगर बच्चा माँ से फीड नहीं लेगा तो ऑटोमेटिकली माँ का जो दूध है वो अब कम आना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में हर माँ को दूध कम ही आता है, लेकिन जितना भी आता है वो एक बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। उस दूध में जितना भी वो गाढ़ा दूध निकल रहा है उसमें जितने भी तत्व हैं वो सारे उस बच्चे के लिए जरूरी हैं, और उतना ही उस बच्चे के लिए सफिशेंट है। जिस जिस तरह की बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है माँ की बॉडी भी उस तरह से दूध प्रोवाइड करती है। अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी आप बच्चे को फीड करने दें, माँ की बॉडी अब ऑटोमेटिकली बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध बनाता है। तो बच्चे को फीड लेने से ना रोके, उसे फीड लेने दें, माँ का दूध अपने आप ही बढ़ जाए। ये भी माना जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी या सीजेरियन डिलीवरी, मतलब डिलीवरी मोड जो भी हो, लेडी को महीने दर महीने आराम करना चाहिए, बिस्तर पे रहना चाहिए। नहीं, आराम करना चाहिए पर हमेशा बिस्तर पे सोए रहना कहीं का सेंस नहीं है। आप सीजेरियन डिलीवरी के चौथे दिन और नॉर्मल डिलीवरी के दूसरे दिन उठ के चल फिर सकती हैं, और अगर आप कंफर्ट फील कर रहे हैं तो आप अपना कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद सिर्फ एक बिस्तर पे पड़े रहना, रेस्ट करना सही नहीं होता। आपको अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना है, वो ज़्यादा सही है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अपने बॉडी को एक्टिव रखें सीजेरियन डिलीवरी के बाद भी और नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी, अगर आप कंफर्ट हैं तो। और नहीं तो अगर आप हमेशा अगर अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगी, चहल पहल नहीं करेंगी, तो आपके पैरों में खून जमने की संभावना हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। तो आपका डिलीवरी मोड जो भी हो, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप चलना फिरना शुरू करें और छोटे मोटे अपने काम करना शुरू कर दिए करें, आराम करें, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखें। सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहना कहीं का सेंस नहीं। ये भ्रांति है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे हमें कैल्शियम देना चाहिए, अगर वो कैल्शियम लेती है तो उसके बेबी में भी कैल्शियम स्टोर होता है। माँ जितना कैल्शियम लेगी उसके बच्चे में भी उतनी ही कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, उसके बोन्स मजबूत होंगे, उसके तिथ अच्छे होंगे। देखिए ये भ्रांति है, कैल्शियम जरूरी है। एक प्रेग्नेंट लेडी को शुरुआत के 3 महीने में फ्लोइक एसिड और उसके बाद के 3 महीनों में कैल्शियम और आयरन की दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कोई भी दवाई शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से, अपने गायनाकोलॉजिस्ट से बात ज़रूर करें। अगर वो आपको रिकमेंड करेंगे तो ही ले। वो आपको बताएगी कि आपको कौन सी दवाई, आयरन, कैल्शियम, फ्लोइक एसिड कितनी क्वांटिटी में लेना है। आप प्रेग्नेंट है इसलिए आप सिर्फ कैल्शियम की दवाइयाँ ले ताकि आपका बेबी बेबी में कैल्शियम की प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से बात करें, वो आपको क्वांटिटी बताएंगे, वो आपके टेस्ट करेंगे, देन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वांटिटी बताएंगे कि आपको कितने आयरन की ज़रूरत है और कितने कैल्शियम की ज़रूरत है, कब तक आपको कैल्शियम लेना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, यही सारी चीज़ें थी एक प्रेग्नेंट लेडी से जुड़ी हुई, डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद की कुछ भ्रांतियाँ। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहेगा, ये आपको हेल्प करेगा। तो अपने आप को इन सारी भ्रांतियों से बचाइए, वो करिए जो आपको आपके डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर की बातों पे ज़्यादा विश्वास करें क्योंकि वो एक प्रूफ के साथ बोलते हैं। वो ये नहीं कहते कि शायद, इन वर्डों का यूज़ डॉक्टर नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा विश्वास आप डॉक्टर पे करें, जैसा वो कहते हैं जितना वो करते हैं उतना ही करें, उतनी ही दवाइयाँ लें। अपनी प्रेगनेंसी की सारी जर्नी डॉक्टर के निगरानी में ही पूरी करें, वो ही आपके और आपके बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्दी होगा, ज़्यादा ज़रूरी होगा और ज़्यादा सेफ रहेगा। सो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।